कोटा शहर के छावनी क्षेत्र में लाइफलाइन हिजामा कपिंग थेरेपी सेंटर का उद्घाटन शाही इमाम सैयद तफज्जुल रहमान साहब सदर इमाम एसोसिएशन कोटा और अलहाज मौलाना सईद मुख्तार रज़वी साहब की सरपरस्ती में हुआ, जिसमें शहर के तमाम उलमा शामिल हुए और दुआओं से नवाजा। सेंटर संचालक हाजी फारूक साहब और शाहिद मिर्ज़ा साहब को बधाई दी। हाजी फारूक ने बताया कि हिजामा एक इस्लामी पद्धति है जो हजरत मोहम्मद साहब के वक्त से चली आ रही है और सुन्नत है। हिजामा करवाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। हिजामा से कई प्रकार को रोगों से शिफा मिलती है, सभी तरह के दर्द दूर होते हैं। अंत में हाजी फारूक साहब और शाहिद मिर्ज़ा साहब ने प्रोग्राम में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जो कि कपिंग थेरेपी के नाम से भी मशहूर है और ये जो है शरीर को जो है बॉडी को डिटॉक्स करती है। अच्छा, कपिंग थेरेपी जो है वैक्यूम के ज़रिए जो है बॉडी से डिटॉक्स निकालने का काम करती है और ये तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसको इससे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उस टॉक्सिन को वैक्यूम के ज़रिए बाहर निकल जाता है। और क्या क्या खासियत है, किस तरीके का इलाज यहाँ पे आप करते हैं? जी, हिजामा से हमें कई फ़ायदे हैं। हिजामा से जैसे कि हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हमारे चर्म रोग हैं, स्किन डिसीज हैं, इधर से अपने पेन जो है बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है और जो है बैक पेन है, इसमें हिजामा करवाने के बाद इसमें काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा, आज किस तरीके का ये जो हुक क्या गया, तो कौन साहब आए थे आप? आज हमने जो है सैयद तफज्जुल रहमान साहब जो कि इमाम एसोसिएशन कोटा शहर के प्रेसिडेंट भी हैं और शाही जामा मस्जिद के नायब इमाम साहब भी हैं, उनके ज़रिए और मौलाना सैयद मुख्तार साहब जो कि नानता ईदगाह के इमाम और खतीब नूरी जामा मस्जिद विज्ञानगर कोटा और जनाब इकबाल नईम इकबाल साहब के ज़रिए हमने जो है इसका ओपनिंग की है और शहर के तमाम जिम्मेदारान उलमाए किराम उलमाए अहले सुन्नत और तमाम अइमा मसाजिद के ज़रिए जो है हमने इसकी इफ्तिताह की है। उनकी माशाल्लाह दुआओं, ताकि इनकी जो है दुआएं भी हमारे लिए हमारे साथ शामिल हाल हों। क्या नाम है आपके सर? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं मेरे पार्टनर जनाब मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा साहब हैं, ये और हम दोनों जो हैं इसके लिए हिजामा प्रैक्टिशनर्स हैं और इंशाल्लाह इस काम को अंजाम देंगे। आप लोगों की भी दुआओं की जो है ज़रूरत है, दुआ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज छावनी बंगाली कॉलोनी में हाजी मोहम्मद फारूक अत्तारी साहब और जनाब शाहिद अत्तारी साहब ने लाइफलाइन हिजामा पॉइंट का आगाज़ करवाया है। हिजामा क्या है, ये तो अरबी का लफ्ज़ है लेकिन ये एक बहुत पुरानी थेरेपी है और इसकी अहमियत इस माना करके ज़्यादा हो जाती है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया है और करवाने का हुक्म भी दिया है। पहले इसको लोग सींगी के नाम से किसी और नाम से जाना करते थे, लेकिन जिस तरह बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गया। अब ये कपिंग थेरेपी के नाम से जानी जाती है। बहरहाल ये एक मुफीद और कारामद इलाज है। जो इसके माहिरीन हैं, जो इसको समझते हैं, जैसा कि लोगों इसकी तरबियत और ट्रेनिंग भी ली है, तो कोई अदाए सुन्नत के तौर पर भी अगर इस इलाज को करवाएगा तो वो फ़ायदा भी पाएगा और इंशाल्लाह सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी उसे मिलेगा। क्या नाम है साहब का? मैं सईद मुख्तार रज़वी, खतीब नूरी जामा मस्जिद विज्ञान नगर कोटा।